सो गाइस आज हम इसमें चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करेंगे, देखेंगे कि मशीन्स में हमें किस टाइप के न्यूमेरिकल्स करने हैं। देखो इसके न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भी इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है और कौन से फॉर्मूला हम यूज करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। सिंपल न्यूमेरिकल्स होंगे कब, आप न्यूमेरिकल्स तभी सिंपल लगेंगे अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। तो मशीन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स है जो इसको हमें जो भी हमें इसमें करने हैं, तो हम देखेंगे इसमें भी क्या क्या चीजें। देखो इसमें एक मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। अब ये क्या चीजें हैं, लोड क्या है, एफर्ट क्या है। तो लोड वो है, वो चीज है भाई जहां पर हम क्या करते हैं, जिसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एफर्ट, जैसे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मशीन है, मशीन का क्या वर्क है, इस वर्क को सिंपल करता है। तो इसमें हम इसको एक लीवर की हेल्प से लेते हैं कि भाई अगर हमारे पास एक लीवर है कि भाई हमने यहाँ पर एक लोड रखा है, ठीक है, हमने यहाँ पर एक लोड रखा है, अब यहाँ पर हम कितना एफर्ट लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा लोड और यहाँ पर हो गया हमारा एफर्ट। यहाँ पर क्या होगा, हमारा कितना लोड और कितना एफर्ट, भी किस कितने लोड के लिए कितना एफर्ट हमें अप्लाई करना है। इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करने के लिए एक तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा लोड अपॉन एफर्ट, या फिर इसी का ही फॉर्मूला है क्या है, ये तो है लोड और एफर्ट, ये वैल्यू है लोड और एफर्ट की, और एक और होता है इसमें लोड आर्म की जगह यहाँ पर क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म, ये कर सकते हो आप। मैकेनिकल एडवांटेज हम टू टाइप से फाइंड कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं हम लोड अपॉन एफर्ट से, यहाँ पर लोड जो होगा हमारा इसमें होगा फोर्स की फॉर्म में हो सकता है, केजी किलोग्राम फोर्स में या न्यूटन में, लोड अपॉन एफर्ट, और यहाँ पर क्या होगा हमारा एफर्ट आर्म या फिर लोड आर्म। अब इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में वो देखेंगे हम। मैकेनिकल एडवांटेज हम कैसे करेंगे फाइंड, या तो आप लोड अपॉन एफर्ट से या फिर एफर्ट आर्म और लोड आर्म की लेंथ से हम इसको फाइंड करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में हमें पता लगेगा कि हमें कैसे इसका यूज करना है। तो अब देखेंगे हम, इसे मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, वेलोसिटी रेशियो क्या है, तो वेलोसिटी रेशियो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो के लिए आपको क्या करना है, वेलोसिटी रेशियो के लिए आपको वेलोसिटी ऑफ एफर्ट लेनी है एंड वेलोसिटी ऑफ यहाँ पर क्या लेना है, लोड लेना है, ये है। या फिर इसी को वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन में टाइम, ये भी ले सकते हो आप। ये भी हमारा सेम ही किससे निकलेगा, ये भी हमारा आप कह सकते हो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म की लेंथ से, डिस्प्लेसमेंट से हमारा क्या हो सकता है, फाइंड किया जा सकता है वेलोसिटी रेशियो। अब इसमें आता है एक एफिशिएंसी और आता है हमारा इसमें, तो आप देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, देखो हमारा एक तो हमारा केस होता है कि भी फोर्स मल्टीप्लायर कब होती है, कोई भी वैल्यू फोर्स मल्टीप्लायर कि आप कम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी वर्क को कर पा रहे हो, तो वो क्या होता है हमारा फोर्स मल्टीप्लायर। तो कब कि भी लैड कर लेते हैं कि आप कम एफर्ट लगाकर किसी हैवी लोड को उठा पा रहे हो, तो क्या होगा हमारा फोर्स मल्टीप्लायर होगा कि आप क्या कर सकते हो किसी भी लोड को, किसी भी हैवी लोड को कम फोर्स से ही क्या कर सकते हो। तो अगर हमारा क्या है एफर्ट है और एफर्ट हम लेस लगा रहे हैं इससे लोड से, और हमारा वर्क हो जा रहा है, हम लोड को हैवी लोड को लिफ्ट कर पा रहे हैं, तो इस केस में इसको कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। तो अगर हमारा एफर्ट, ठीक है, अगर हमारा क्या है यहाँ पर एफर्ट कम है और यहाँ पर क्या है लोड क्या है हमारे पास ज़्यादा है, एफर्ट कम है लोड ज़्यादा है, तब क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर एफर्ट कम है और लोड ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, इसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन वन होगी। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा इस केस में हमारा, मैकेनिकल एडवांटेज होगा ग्रेटर देन वन, और अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन है तो क्या है हमारा फोर्स मल्टीप्लायर। ओके, ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज़ होगा। और अगर हमारा क्या अभी एफर्ट हमें ज़्यादा लगाना पड़ रहा है लोड कम है, तो ये क्या होगा हमारा इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा लेस देन वन, इसको कहते हैं स्पीड मल्टीप्लायर। और अगर दोनों ही सेम है हमारे, इस केस में हमारा क्या होगा, इस केस में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा वन, तो यहाँ पर हमारा ना ही ये फोर्स मल्टीप्लायर होगा ना स्पीड मल्टीप्लायर, बस यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, तो इस केस में हम क्या कर रहे होते हैं चेंज कर रहे होते हैं चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो इस केस में सिंपली हम चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ये थ्री केसेस हमारे पास, फोर्स मल्टीप्लायर अगर मैकेनिकल एडवांटेज क्या है ग्रेटर देन वन है, स्पीड मल्टीप्लायर अगर मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास लेस देन वन है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं कि भी अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज वन है तो बस आप क्या कर रहे हो चेंज कर रहे हो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसमें हम। तीन केसेस हमारे पास जिसके बारे में हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो वेलोसिटी रेशियो हो गया, अब देखेंगे इसमें हम यहाँ पर आता है हमारा वर्क इनपुट क्या है, वर्क आउटपुट क्या है। अब इनके यूनिट्स क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज के ऐसा यूनिट क्या होगी, क्योंकि देखो दो सेम क्वांटिटी को हम डिवाइड कर रहे हैं तो कोई
इसकी यूनिट नहीं होगी, तो यहाँ पर भी इसकी 9 यूनिट होगी और वेलोसिटी रेशियो की भी 9 यूनिट होगी। तो हमें क्वेश्चन करने के लिए फिर क्या करना है, इसमें एफिशियंसी आ जाता है। इसमें देखो एफिशियंसी, एफिशियंसी यहाँ पर ये यह आता है हमारा सिंबल जो एन टाइप से ईटा फंक्शन बोलते हैं इसको। तो ये जो ईटा होता है ईटा, ठीक है, ईटा सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एफिशिएंसी क्या होता है कि भी कितना वर्क आउटपुट हमें मिल रहा है और कितना हम उसको दे रहे हैं। तो वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ये क्या होता है किसी भी मशीन की एफिशिएंसी को एक्सप्रेस करता है। और एफिशिएंसी परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं उसकी परसेंटेज। इसकी भी 9 यूनिट होती है, कोई यूनिट नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या कहता है, तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या कहता है कि भाई जो भी इनपुट एनर्जी है और वो आउटपुट एनर्जी जो भी मिलने वाली वो हमेशा इक्वल होगी। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ क्या हमारा मशीन। प्रिंसिपल ऑफ मशीन ये कहता है कि भाई हमारे इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी क्या होती है हमारे ऑलवेज इक्वल होती है। और आइडल मशीन के लिए एफिशिएंसी 100% होती है, लेकिन हर केस में सभी मशीनें आइडल नहीं वर्क करती हैं। तो इसलिए एक्चुअल मशीन में यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर एफिशिएंसी 100% हमें नहीं मिल पाती है। ओके, अब इसमें रिलेशनशिप आता है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन ईटा मैकेनिकल एडवांटेज मतलब एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, इनमें क्या रिलेशन है। तो सिंपल ये रिलेशन होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी। ये रिलेशन आपको याद रखना है इसके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए, वेलोसिटी रेशियो इनटू में एफिशिएंसी। एक ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो हो गया, इनको आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, और फिर आ जाता है इसमें हम लीवर का। अब देखो यहाँ पर अगर हमारा लीवर आता है तो लीवर 3 टाइप्स के लीवर हैं, ये देखने हैं हमें कौन कौन से लीवर होते हैं। तो फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है कि फलकम क्या होता है, बीच में होता है फलकम। फलकम का मीन्स क्या होता है कि जहाँ पर वो फिक्स होता है, कोई भी हमारा क्या है लीवर है जो किसी पॉइंट में फिक्स है उसी को क्या कहते हैं, उसका फलकम बोलते हैं। अब इसमें एक तरफ एफर्ट होगा, एक तरफ लोड होगा। अगर हम यहाँ पर लोड ले लेते हैं तो यहाँ पर इसमें एफर्ट यूज करते हैं। ओके, तो एक तरफ लोड होगा, एक तरफ एफर्ट, बीच में फलकम है, तो ये क्या है फर्स्ट क्लास लीवर है। अब क्या करते हैं कि और जो सेकंड क्लास लीवर उसमें क्या होता है कि इस बार फलकम क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर जो फलकम है इस बार एक एंड पर फिक्स हो जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं लोड लगाते हैं और यहाँ पर इसमें क्या करते हैं एफर्ट देते हैं, ये हो जाता है हमारा सेकेंड क्लास लीवर। और फिर अगर फलकम हमारा एक एंड पर फिक्स है लेकिन इस बार हम बीच में एफर्ट यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर लोड लगा रहे हैं, ये होता है हमारा थर्ड क्लास लीवर। बस तो याद रखना है फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है एफ बीच में होता है, सेकंड क्लास में एल होता है और थर्ड क्लास में ई होता है। तो एफ एल ई से आप क्या कर सकते हैं उसको याद रख सकते हो कि भाई फर्स्ट क्लास में क्या होगा फलकम बीच में होगा, सेकेंड क्लास में लीवर होगा, थर्ड क्लास में एफर्ट बीच में होगा। बस इससे आप हिंट ले लेना है कि भाई कौन सी वैल्यू बीच में होगी, फिर आप दो वैल्यूज को अरेंज कर देना। सिंपल ये है इसमें हमारा, तो एफ एल ई ऐसे आप इसको याद रख सकते हो कि भाई बीच में कौन सी वैल्यू होगी। ओके, ये लीवर्स और इनके एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी कौन सा लीवर के लिए कौन से एग्जांपल में कौन सा वर्क करता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास लीवर के कौन से एग्जाम्पल्स हैं, सेकेंड के कौन से हैं और थर्ड के, और फिर इसका हमारे ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पर यूजेज है एप्लीकेशन है वो बताना है। और फिर इसका प्रिंसिपल यहाँ पर क्या होगा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट द फलकम इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। और इसी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है कि लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू होता है एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। तो लोड इंटू लोड आर्म ये किसके इक्वल होता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है यहाँ पर इक्वल होता है। जैसे ये भी लोड है, लोड इसमें नीचे की तरफ क्या लगा रहा है हमारा फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर लोड है हमारा और यहाँ पर क्या हो गया ये एफर्ट हो गया। तो ये एफर्ट हो गया हमारा और ये लोड हो गया, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होता है हमारा लोड इंटू लोड आप इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आप। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवर हो गया हमारा, ये लोड इंटू लोड आप एफर्ट इंटू एफर्ट एफर्ट आप, ये इसका इस पर प्रिंसिपल है इसका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हो गया हमारा लीवर का, ये हो गया इसमें ये रिलेशन, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसकी वजह से क्या होता है कि लोड अपॉन एफर्ट किसके इक्वल होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। कैसे, क्योंकि लोड एफर्ट को इधर लेके आएंगे, इसीलिए हम लोड अपॉन एफर्ट को क्या लिख सकते हैं ये एफर्ट आर्म और लोड आर्म नीचे ये लिख सकते हैं। इस पर आपको ध्यान देना है, ये हो गया हमारा,
ये हो गया हमारा, बस यही इम्पोर्टेंट है इसमें। अभी अगर आपने ये चीजें समझ ली तो आप इसके न्यूमेरिकल सिंपली कर सकते हो। यहाँ पर इसमें कुछ रिलेशन ही बताया गया है के लिए। एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड आर्म, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, वन होगा, ये हमने देख लिया है, ये सभी हमने पता चल गया है हमें कि एफर्ट आर्म अगर हमारी ग्रेटर देन होगी, ठीक है, एफर्ट आर्म, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म से हम इसको निकालेंगे। एफर्ट आर्म क्या होगा हमारा, देखो अगर एफर्ट आर्म ग्रेटर होगी और लोड आर्म क्या होगी, एफर्ट आर्म ग्रेटर होगी, एफर्ट आर्म बड़ी होगी और लोड आर्म छोटी होगी, तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू वैल्यू से अगर डिवाइड करेंगे, अगर डिनोमिनेटर लेस है किससे, न्यूमरेटर से, जैसे मान लेते हैं 5 और नीचे, 5 से छोटी कोई भी वैल्यू रख लो, 4 रख लो, 3 रख लो, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही आएगी। तो ये यही वैल्यू बता रहा है कि भाई अगर एफर्ट आर्म ग्रेटर देन लोड आर्म है तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 आएगा, एफर्ट आर्म लेस देन लोड आर्म है तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा, लेस देन 1 होगा मैकेनिकल एडवांटेज। और इसमें हमने सिंपल देखा था कि भाई ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह कब यूज होगा, अगर हमारा क्या हो, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो, जैसे हमें कम फोर्स में ही क्या करना हो, किसी भी हैवी वर्क को करना हो, तो हम इसे फोर्स मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। स्पीड मल्टीप्लायर अगर हमें कोई भी वर्क तेजी से करना हो, जैसे ये भी इसमें देखो आप कि कम लोड से आप हैवी ऑब्जेक्ट को क्या कर पा रहे हो, लिफ्ट कर पा रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लायर है। अब जैसे सीजर है, सीजर में आप स्पीडली किसी भी क्लोथ को पेपर को कट कर पा रहे हो, स्पीड, ये क्या हमारा स्पीड मल्टीप्लायर है, इस तरीके से ये इसमें यूज हो पाते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल। अब इसमें हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स, देखो कि वो फर्स्ट क्लास लेवल के ये सभी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये है प्लायर्स है, जैसे हम प्लायर क्या ले रहे हैं, जिसको हम घर वगैरह में नॉर्मल लैंग्वेज में प्लास भी बोलते हैं, तो प्लायर हो गया, स्पेक टनल, सोइल हो गया, ठीक है, ये हो गया, शीयर्स हो गया, एंड सीशो, स्पून यूज, ये सभी क्या है हमारे फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो सभी में फलकम बीच में है, सभी में फलकम क्या है, फिक्स पॉइंट बीच में है, ध्यान से देखो, और दोनों ही एंड्स पर क्या है हमारे पास, एफर्ट और लोड है, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट क्लास लीवर के। ये सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में आ रहा होगा, देखो एक लोड बीच में आ रहा होगा, यहाँ पर लोड है हमारा और फलकम यहाँ पर फिक्स हो गया और यहाँ एफर्ट है, ऐसे सेम है कि भी लोड बिटवीन आ रहा है इसमें नट क्रैकर में और एक बार टू लिफ्ट लोड, एक हमारी आयरन बार है, मेटल बार है, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी लोड को लिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारे पास क्या है कि भी लोड बीच में आ रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास व्हील बैरो है, इसमें भी लोड बिटवीन आ रहा है, इसके पलकम है एफर्ट के। फिर सेकंड क्लास लीवर हो गया, तो FLE, अब ई एफर्ट बीच में आएगा, वो सभी क्या होंगे हमारे थर्ड क्लास लीवर। तो जैसे इनके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको सभी याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट वो आपसे पुटअप कर सकता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल बताओ, या फिर आपको फिगर दे देगा, नेम दे देगा उसका, पूछेगा कि भाई बताओ कौन से क्लास का लीवर है, जैसे यहाँ पर है फुट टेडल है एंड शुगर टोंग है, नाइफ है एंड स्पेड लिफ्टिंग अलोन है, ये सभी थर्ड क्लास लीवर है। और फिर इनका हमारे ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पर यूजेज होता है, तो जैसे ये हो गया हमारा नोडिंग एक्शन ऑफ हेड, तो ये क्या हमारा फर्स्ट क्लास लीवर है, यहाँ पर क्या है पलकम है, यहाँ लोड और एफर्ट है। सेकेंड में हमारे पास क्या है कि जो टो होते हैं हमारे इसमें, तो यहाँ पर हो गया पलकम, लोड बिटवीन हो गया, इस बार लोड बिटवीन हो गया, एफर्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। थर्ड क्लास लीवर में हमारे आर्म हो गई, राइजिंग लोड कैप्ट होना, पाम पाम से हम उठाते हैं, लोड हो गया और एफर्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं अपने आर्म पर, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा ये पलकम हो गया। ओके, तो ये आपको सभी फोर आर्म एग्जाम्पल इसका थर्ड क्लास लीवर का। अब इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे कि भी न्यूमेरिकल्स किस टाइप से कर रहे हैं, ये इसके सोल्व न्यूमेरिकल्स हैं, इनको भी आप कर सकते हैं, हम करेंगे इसके अनसोल्व के अबाउट बात कि भाई इसके न्यूमेरिकल किस टाइप से करते हैं, देखते हैं इसके न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, कह रहा है कि क्रोबार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर हैज इट्स फलकम सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द क्रोबार। अब ये क्रोबार है, अभी हमने देखा था क्रोबार कौन से लीवर का एग्जाम्पल है, ये हमारा फर्स्ट क्लास लीवर, तो फर्स्ट क्लास लीवर में फलकम बिटवीन होगा, तो इसको ड्रॉ करते कैसे होगा, तो अब देखेंगे इसमें हम सिंपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल्स में, तो ये 120 सेंटीमीटर हैज इट फलकम सिचुएटी, एक क्रोबार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर इसका टोटल लेंथ है, अभी कह रहा है कि हैज इट्स फलकम सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड, जहां पर लोड है इसका, ठीक है, वहां से 20 सेंटीमीटर पर क्या है इसका फलकम है, मीन्स एफ है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये क्या हो गया हमारी लोड आर्म,
कैलकुलेट दी मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द क्रोबार। मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करने के लिए आपके पास क्या है, दो फॉर्मूले हैं, या तो आप लोड अपॉन में क्या कर दो, एफर्ट कर दो, या फिर एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। एफर्ट आर्म है हमारे पास कितनी, देखो फल कम से एफर्ट का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, एफर्ट आर्म कहते हैं। ये वाले जो हो गए हमारे, ये हो गए एफर्ट आर्म, और फल कम से जो लोड का डिस्टेंस होता है वो होते हैं हमारे लोड आर्म। ये लोड आर्म होगी। तो देखो एफर्ट आर्म आ रही है हमारी कितनी, अगर ये 20 है तो ये कितनी हो जाएगी, 100। आप क्या कर दोगे, 100 को डिवाइड करोगे किससे, 20 से, कैंसिल कर रहे हैं आ रहा है 5, तो मैकेनिकल एडवांटेज आएगा यहाँ पर कितना, 5। इसकी कोई यूनिट नहीं होती इसलिए इसका आंसर ओनली 5 होगा। अब हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पेयर ऑफ सीजर्स हैज इट्स ब्लेड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो ब्लेड है, सीजर की जो ब्लेड है वो क्या है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एंड ये कह रहा है व्हाइल इट हैंडल आर 7.5 सेंटीमीटर, जिसका हैंडल है वो ओनली 7. ये इसका सीजर है, ठीक है, ये 7.5 सेंटीमीटर है। अब हम एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, देखो ये हो गया इसका फल का, ये फर्स्ट क्लास लीवर हो गया, ये इसका एफर्ट हो गया, और ये इसका क्या हो गया, लोड हो गया। ये होगी इसकी लोड आर्म होगी पूरी फल कम से, जहाँ पर हम लोड लगा रहे हैं, और ये इसकी एफर्ट आर्म होगी जहाँ पर हम फल कम से एफर्ट ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा, क्या फाइंड करना है, सभी हमें मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए वही एफर्ट आर्म कितना है, 7.5, लोड आर्म कितना है, 15, डिवाइड कर दो, पॉइंट हटाओगे नीचे 10, 15 से 75 को कैंसिल कर रहे हो, कितना 15, 5 जा। एंड ये इसको कैंसिल किया आपने 1/2, और 1/2 को क्या कर सकते हैं हम, 0.5, या फिर 1/2 भी बोल सकते हो सिंपल। तो इसमें क्या आ रहा है आंसर, 0.5। इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ रहा है, 0.5। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है तो ये क्या होता है हमारा, स्पीड मल्टीप्लायर। ये क्या है हमारा, स्पीड मल्टीप्लायर है, यही बात कर रहे थे हम। और यहाँ पर अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें क्या होगा हमारे, फोर्स मल्टीप्लायर। तो ऐसे ही हमसे एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पुट अप किया है, तो ये सभी इसी पर बेस्ड है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें, इफ फोर्स ऑफ 5 kgf इज रिक्वायर्ड टू अ कट अ मेटल सीट। अब मेटल सीट को कट करने के लिए जो प्लायर यूज करते हैं वो कुछ इस टाइप की होती है, अगर आपने देखा है तो वो कुछ इस टाइप की होती है कि उसमें सीजर की तरह ही बिल्कुल वो सेम होती है, जैसे आपने कोई कटिंग मेटल मेटल सीट को कटिंग करने वाला वो ब्लेड देखा होगा, वो कुछ इसी टाइप की होती है। उसमें जो ब्लेड की लेंथ होती है वो कम होती है, वो ब्लेड की लेंथ क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर पल कम होगा क्योंकि यहाँ फिक्स होता है, और एफर्ट वाले जो प्लेस है जिससे हम उसको क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, वो क्या होती है हमारी, ज़्यादा लेंथ की होती है। इसी की वजह से हम इसको फोर्स मल्टीप्लायर बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका मैकेनिकल एडवांटेज आएगा ग्रेटर देन 1। कैसे, अब देखो, अब ध्यान से देखना इसको। ये कह रहा है कि ए फोर्स ऑफ 5 kg इज रिक्वायर्ड टू कट अ मेटल सीट। 5 kg की फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी इसको कट करने के लिए मेटल सीट। ए पेयर ऑफ सीयर्स, इसको सीयर बोलते हैं हम, यूज फॉर कटिंग द मेटल सीट जिसको हम यूज कर रहे हैं, हैज इट्स ब्लेड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके जो ब्लेड है वो सिर्फ क्या है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये लोड आर्म हो जाएगी इसकी। व्हाइल इट्स हैंडल आर 10 सेंटीमीटर, और उसका हैंडल क्या है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये भी 10, ये भी 10। आप इसमें कह सकते हो कि इसकी जो एफर्ट आर्म है वो 10 सेंटीमीटर होगी। अब आप देख लो इसमें फाइंड करके देख लो इसका क्या आ रहा है हमारा, अगर इसका मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करें हम, कितना आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, क्यों, एफर्ट आर्म आ रही है 10, लोड आर्म आ रही है हमारी 5, एफर्ट, तो मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा है 2, मीन्स ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो ये क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर, कि यहाँ पर हम कम फोर्स से ही क्या कर सकते हैं, कम फोर्स अप्लाई करके ही ज़्यादा लोड या ज़्यादा हैवी चीज़ को कट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। लेकिन इसमें बोला क्या फाइंड करने के लिए, इसमें से हमसे बोला कि व्हाट एफर्ट इज नीडेड टू कट द सीट, कितना एफर्ट लगाना होगा हमें क्या करने के लिए, मेटल सीट को कट करने के लिए। अब यहाँ पर फोर्स ऑफ 5 kgf इज रिक्वायर्ड टू कट अ मेटल सीट। इस मेटल सीट को कट करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, 5 kgf किलोग्राम फोर्स चाहिए इसको मेटल सीट को कट करने के लिए। मीन्स ये क्या हो गया हमारा, इसमें हम लगाएंगे लोड इंटू लोड आर्म, ये वाला रिलेशन लगा सकते हैं हम इसमें, लोड इंटू लोड आर्म इसके इक्वल एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इक्वल।
लोड क्या है 5 kg है, लोड आर्म क्या है हमारा 5 cm, एफर्ट क्या है ये हमें फाइंड करना है, और एफर्ट आर्म क्या है 10। आप इसको डिवाइड कर दो, देखो 5 5 25 को 10 से डिवाइड कर लो, इसको एफर्ट हमें कितना यूज करना है, सिर्फ 2.5 किलोग्राम फोर्स से ही, KGF फोर्स से ही हम क्या कर सकते हैं इसको कट कर सकते हैं, जिसमें हमें 5 kg फोर्स लगाना होगा। ओके, तो आधे ही फोर्स से हम इसको कट कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 2 kg है, ये करना है इसमें सिंपल। तो कुछ हमें जो हिंट है वो किससे मिल जाएंगे, क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, इसको ध्यान से देखना है। देखो ये आ गया हमारा 2.5 kg। अब देखेंगे हम फोर्थ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है कि फिगर इसका गिवन ये है, और भी इजी हो गया हमारे लिए, ये फलकम है, तो बताओ कौन सी क्लास का लीवर है, ये फर्स्ट क्लास लीवर, क्योंकि फलकम बिटवीन है। कह रहा है कि टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग, फर्स्ट क्लास लीवर से बिलोंग करता है, इफ ए बी, अगर ए बी ये क्या हमारा टोटल इसकी लेंथ 1 मीटर बोल रहा है, एंड ए एफ कितना बोल रहा है 0., ए एफ कितना बोल रहा है 0.4 मीटर, 0.4 मीटर का मीन्स क्या है, 0.4 मीटर का मीन्स है 40 सेंटीमीटर। ये इसका फल कम हो गया, देखो ये इसका फल कम हो गया, यहाँ पर ये ए और यहाँ पर ये बी। ओके, तो यहाँ पर ये लोड है हमारा कितना 15 kg, एंड ये फल कम हो गया हमारा, और यहाँ पर ये एफर्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई अगर ये क्या है हमारे पास ए बी की वैल्यू टोटल है 1 मीटर, मीन्स 1 मीटर का मीन्स कितना है 100 सेंटीमीटर कह सकते हो आप, टोटल 100 सेंटीमीटर है 1 मीटर है, और ए एफ की वैल्यू ये बोल रहा है कितनी, ए एफ की वैल्यू बोल रहा है 0.4 मीटर, 0.4 मीटर का मीन्स क्या है, 0.4 मीटर का मीन्स 40 सेंटीमीटर भी तो है, 0.4 × 100 कर दो, पॉइंट होगा नीचे 10, 1 0 से 1 0 तो ये होगा 40, ये 40 होगा तो ये होगा 60 सेंटीमीटर, क्यों, टोटल 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर का मीनिंग क्या है भाई 100 सेंटीमीटर। ओके, ये 40 है 60, ये हो गया हमारा क्या लोड आप ए एफ, और ये जो एफ बी है ये क्या है हमारा एफर्ट, हम यहाँ पर एफर्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर हमें क्या फाइंड करना है इसका, फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ए वाला आंसर तो उसका फर्स्ट क्लास लीवर है क्योंकि बल्कम बिटवीन है, बी में मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म, एफर्ट आर्म कितना है 60, लोड आर्म कितना है हमारा 40, 0 से 0 कैंसिल, इसे कैंसिल कर लो, 2 3 2 2 2, और ये कितना हो गया 1.5, ये आ गया इसका मैकेनिकल एडवांटेज, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखेंगे इसमें इसका सी पार्ट, अगर सी पार्ट में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई, ई का मतलब है यहाँ पर एफर्ट फाइंड करना है, तो इसमें लगा हुआ आप रिलेशन दिखा, तो आप मैकेनिकल एडवांटेज से भी फाइंड कर सकते हैं उसको, या फिर वही ये लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू में एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, ये यूज कर सकते हैं। लोड कितना हमारा, लोड हम इसमें कितना ले रहे हैं यहाँ पर 15 kg है, लोड आर्म कितनी है हमारी 40, एफर्ट कितना लगा रहे हैं हम इसमें नहीं पता है, एफर्ट हमें फाइंड करना है, एफर्ट आर्म पता है हमें कितना 60, आप इसको डिवाइड कर लो 15 से, इसको डायरेक्ट कैंसिल कर लो, 15 4 जा और 4 से इसको डिवाइड कर लो किसको 40 हो, कितना आ रहा है एफर्ट 10 kg है, 10 kg क्या हो गया एफर्ट, तो जिस यूनिट में हमें लोड गिवन किया होगा उस यूनिट में हमारा एफर्ट होगा 10 kg, ये बात समझ में आ रही है, ये हो गया हमारा 10 kg, तो ये इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है 10 kg इसका आंसर आ रहा है, ये इसका 1.5 क्या आ रहा है मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा है, और ये क्या आ रहा है इसमें 10 kg क्या आ रहा है इसका एफर्ट आ रहा है, सिंपल है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसी टाइप की सिंपल क्वेश्चन है ये, आगे इसको सोल्व करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसमें कि ए मैन यूजेस अ क्रोबार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर टू रेज अ लोड ऑफ 75 kg बाय पुटिंग अ शार्प एज बिलो द बार एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम हिज हैंड, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट शोइंग द फलकम एफ एल एंड ई विद देयर डायरेक्शंस, स्टेट द काइंड ऑफ लीवर, उसको किस काइंड का लीवर है ये भी आपको बताना है। तो सिंपल देखो क्या करेंगे इसमें कि अगर हम इसमें देखें कि भी एक मैंने क्रोबार यूज कर रहा है, तो इसमें फर्स्ट क्लास की होगी हमारी, ठीक है फर्स्ट क्लास लीवर होगा, ये फलकम होगा इसका, और इसके एक एंड पर क्या कर रहा है वन, इसकी जो लेंथ है क्रोबार की वो 1.5 मीटर है, मीन्स 150 टोटल लेंथ है इसकी, 150 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर में वन कितना होगा हमारा, तो
इसमें 100 की मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर होगा। और ये कह रहा है कि कितना लोड लिफ्ट कर रहा है, 75, तो लोड कितना लिफ्ट कर रहा है, 75 kg बाय पुटिंग अ स्टार फेयर। इसको लोड को कहाँ रखना है, यहाँ पर, ठीक है, इसको लोड को उठा रहा है इधर, 75 kgf है, जो कि हमारा बिलो द बार एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम हिज हैंड। अभी क्या कह रहा है कि एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम हिज, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 मीटर जो यहाँ पर होगा, 1 मीटर बोलो या फिर 100 सेंटीमीटर, क्यों, यहाँ पर जो एफर्ट आर्म होगी वही तो यहाँ पर क्या होगी, एफर्ट आर्म होगी वही तो यहाँ पर क्या होगी, अभी इधर की तरफ एफर्ट लगा रहा होगा नीचे की तरफ, जो एफर्ट आर्म होगी ये लॉन्ग होनी चाहिए, तभी हम इसके लोड को इजीली क्या करेंगे, लिफ्ट करवाएंगे। तो बस एक थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करना है इसमें, ड्रॉ डायग्राम फॉर अरेंजमेंट स्विंग का फलक्रम, तो बिल्कुल ऐसे ही अरेंजमेंट है जैसे हम इसमें देखो, हमने एग्जाम्पल में देखा था, फर्स्ट क्लास लीवर में, ये फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल है, ठीक है, सेकेंड क्लास वही हो गया हमारा, फर्स्ट क्लास लीवर एग्जाम्पल, ये हो गया फर्स्ट क्लास लीवर एग्जाम्पल, ये हो गया हमारा लोड, ठीक है, ये हो गया फलकम, और ये हो गया हमारा एफर्ट। इसमें यहाँ पर इजी केसेस में यहाँ पर लोड लग रहा है, यहाँ पर एफर्ट लग रहा है, फलकम लग रहा है, ये इसमें हम यूज कर रहे हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में भी, तो लोड को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा लेकिन फोर्स नीचे की तरफ ही लग रही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा फिगर हो गया सिंपल, अभी कह रहा है कि स्टेट द काइंड ऑफ लीवर, कौन से काइंड का लीवर है भाई, फर्स्ट क्लास का लीवर, देखो इस मान से दे भी रखा है। फिर ये कह रहा है कि सी में कैलकुलेट लोड आर्म, इसकी लोड आर्म कितनी होगी, देखो लोड आर्म कितनी होगी, अगर ये 100 है, ये टोटल 150 तो होगी हमारी 50 सेंटीमीटर, बोल दो मीटर में करना है तो 0.5, 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर को 0.5 तो बोल लेंगे, ये सी वाले जो आंसर है इसमें कह रहा है कि भाई लोड आर्म कितनी है, 50 सेंटीमीटर बोल दो या फिर मीटर में बतानी है अगर आपको, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 0.5 मीटर ही आएगा हमारा, ओके, ये बात समझ में आ रही है। फिर अगर ये क्या कह रहा है इसमें सेकंड वाले में एफर्ट आर्म बतानी है आपको, एफर्ट आर्म ये भी हमारी 100 सेंटीमीटर बोल दो या फिर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर बोल दो, सिंपल, ओके। फिर हमसे क्या क्या बोल रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज बता दो इसका, मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता ही है क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म, या तो आप 100/50 को डिवाइड कर दो या 1/0.5 को डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर है ग्रेटर देन क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। फिर क्या कह रहा है कि द एफर्ट नीडेड, कितना एफर्ट नीड होगा इसके लिए, तो आप लगाओ रिलेशन लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू में एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लोड कितना ये है 75 kgf, यहाँ पर 75 इंटू लोड आर्म है हमारी कितनी, ये लोड आर्म 50, एफर्ट आर्म है, एफर्ट हमें कितना लगाना है, और एफर्ट आर्म है हमारी कितनी 100, आप 100 से इसको डिवाइड कर लो, 75 डिवाइड में 100 अपॉन में 100 इक्वल्स टू में एफर्ट, 50 से डिवाइड कर लो 2, और 2 से इसको डिवाइड कर लो कितना आएगा, 2 3 6, 1 कैरी 2 7 जा, और ये जाएगा 37.5, क्या होगा ये kgf में ही इसका आंसर होगा, एफर्ट का 37.5 kgf, ओके 37.5 kgf, ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6, ए पेयर ऑफ सीजर्स इज यूज टू कट अ पीस ऑफ क्लॉथ बाय कीपिंग इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स रिवेट एंड अप्लाइंग एन एफर्ट ऑफ 10 kgf बाय फिंगर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिवेट। तो बस सिंपल रिवेट का मीन्स यहाँ पर क्या है, फलकम से जहाँ पर वो फिक्स है। ए पेयर ऑफ सीजर, तो हमारा पेयर ऑफ सीजर हम यूज करते हैं, इसमें क्या होती है, अपर आर्म छोटी होती है और लोड आर्म बड़ी होती है, ठीक है, ये लोड आर्म हमारी लॉन्ग होगी और अपर आर्म हमारी शॉर्ट होगी। कह रहा है कि पेयर ऑफ सीजर यूज टू कट अ पीस ऑफ क्लॉथ बाय कीपिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर क्या है हमारा लोड आर्म है, ओके, यहाँ पर लोड है, यहाँ पर क्या है एफर्ट है, लोड आर्म रिवेट एंड अप्लाइंग एन एफर्ट ऑफ 10 kgf, कितना 10 kgf का एफर्ट लगा रहा है इसमें, बाय फिंगर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इसमें क्या है हमारा एफर्ट आर्म है। आपको क्या क्या बताना, मैकेनिकल एडवांटेज, सीजर, लोड ऑफर्ड बाय द क्लोथ, लोड कितना लग रहा है इसमें, अगर हमें कितना अप्लाइंग एन एफर्ट कितना लगा रहा है 10 kgf,
ठीक है। तो एफर्ट तो हमारे पास है, लोड बताना है, और फिर क्या बता रहा है, हाउ डज द पेयर ऑफ सीजर एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर और अ स्पीड मल्टीप्लायर। तो ये हमारा क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लायर की तरह यूज होता है। तो अब इसको सोल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें हमसे बोल रहा है क्या फाइंड करने के लिए, कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सीजर। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा इसका, देखो एफर्ट आर्म कितनी है, ये एफर्ट आर्म है फलकम से एफर्ट की जो डिस्टेंस है 2, और ये कितना है लोड आर्म है लोड से फलकम का डिस्टेंस 8, कितना आ रहा है 1/4 बोल दो या फिर 0.25। ये क्या है इसका मैकेनिकल एडवांटेज। और हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एंड द लोड ऑफर्ड बाय द क्लोथ, लोड बताना है हमें कितना होगा। देखो लोड के लिए हम मैकेनिकल एडवांटेज का भी यूज कर सकते हैं, या फिर वही हमारा रिलेशन कि भाई क्या होता है हमारा लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू में एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। लोड क्या है हमारा नहीं पता, लोड आर्म पता है 8, एफर्ट हमारा पता है 10 kg है, और एफर्ट आर्म पता है हमें 2। आप इसको सोल्व कर लो, एल की वैल्यू हो जाएगी 8 को डिवाइड में लेके आ, देखो यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 8 कैंसिल कर लो, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 पॉइंट लगाएंगे हमारा कितना जाएगा 4 8 5 जा 40, तो ये जाएगा 2.5। लोड क्या होगा 2.5 kg है, लोड क्या है 2.5 kg है, सिंपल है। अब ये हमसे इसके तो पार्ट हो गए दोनों, हमसे बोल रहा है कि हाउ डज द पेयर ऑफ सीजर एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर। अगर देखो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लेस देन 1 होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है यहाँ पर लेस देन 1, तो ये क्या है हमारा एक्ट एज ए स्पीड मल्टीप्लायर, ये क्या होगा हमारा स्पीड मल्टीप्लायर की तरह यूज हो रहा होगा, बस सिंपल है ये हमारा, ये हो गया इसका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो कह रहा है कि ए 4 मीटर लॉन्ग रोड ऑफ नेग्लिजिबल वेट इज सपोर्टेड एट अ पॉइंट 125 सेंटीमीटर फ्रॉम इट वन एंड, एंड अ लोड ऑफ 18 kg इज सस्पेंडेड एट अ 0.60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑन द सॉर्ट आर्म। और इसमें अब आपसे क्या बोल रहा है, क्या क्या फाइंड करना है, इफ द वेट डब्ल्यू इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर रखना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑन द लॉन्गर आर्म टू बैलेंस द लोड फाइंड डब्ल्यू। तो आपको डब्ल्यू फाइंड करना है इसमें, तो देखेंगे सिंपल हम डब्ल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसका, तो इसमें हम करेंगे सिंपल। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, कह रहा है कि 4 मीटर लॉन्ग रोड है, नेग्लिजिबल वेट है इसका, और वेट इज सपोर्टेड एट अ 0.125 सेंटीमीटर। ए रोड ऑफ नेग्लिजिबल वेट इज सपोर्टेड एट अ 0.125 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वन एंड, कहाँ पर सपोर्ट की गई है, मीन्स फर्स्ट क्लास का लीवर है, 4 मीटर मीन्स ये क्या है 400 सेंटीमीटर लॉन्ग रोड है, इसको 120 सेंटीमीटर पर सपोर्ट किया गया है, 125 सेंटीमीटर एक एंड से 125 सेंटीमीटर एंड पर अगर सपोर्ट किया गया तो इसको हम फलकम ले लेते हैं 125 सेंटीमीटर। ओके अब ये क्या कह रहा है, इट्स वन एंड एंड अ लोड ऑफ 18 kg इज सस्पेंडेड एट अ 0.60 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सो फ्रॉम दी सपोर्ट ऑन दी शोल्डर आर्म, इधर शोल्डर आर्म है उधर की साइड क्या हमारा फिक्स एंड से क्या हो रहा है हमारा 60 सेंटीमीटर पर 18 kg लोड सस्पेंड किया गया है। देखो ए लोड ऑफ 18 kg इज सस्पेंडेड एट अ 0.60 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सपोर्ट, यहाँ पर ही सपोर्ट किया गया, वहां से 60 सेंटीमीटर को क्या दिया गया है एक लोड रखा गया है किसका 18 kg का, 18 kg। मीन्स ये 60 है और ये हो गया हमारा लोड आर्म कितना हो गया 60। ओके अब क्या आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है ए वाले पार्ट में, इफ अ वेट डब्ल्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट, सपोर्ट से 250 सेंटीमीटर ऑन द लॉन्गर आर्म, लॉन्गर आर्म ये वाली होगी ये 125 है, बची हुई हमारी कितनी हो जाएगी, ये जाएगी 275। ओके ये लॉन्गर आर्म होगी, लॉन्गर आर्म की तरफ एक डब्ल्यू वेट प्लेस किया गया है 250 सेंटीमीटर पर, 250 सेंटीमीटर पर एक डब्ल्यू वेट क्या किया गया सस्पेंड किया गया है, ये इसका मीन्स क्या हो गया इसकी एफर्ट आर्म हो गई, फ्रॉम द सपोर्ट ऑन द लॉन्गर आर्म टू बैलेंस द रोड, रोड को बैलेंस करने के लिए फाइंड डब्ल्यू, तो डब्ल्यू मतलब यहाँ पर कितना वेट लगाया गया यही आपको बताना है। तो सिंपल है भाई इसको करने के लिए, भाई लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू में एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म,
इसका यूज करेंगे हम। लोड कितना है हमारा, भाई लोड कितना है 18 केजी है, लोड कितना है 18 केजी एफ, इसको यूनिट को मतलब इनटू में लोड आर्म कितनी है 60, एफर्ट कितना है नहीं पता, लेकिन एफर्ट आर्म कितना है 250 ये पता है। आप इसको कर लो डिवाइड 18 अपॉन में 60 डिवाइड बाय 250, इसको सोल्व करो एफर्ट की वैल्यू आ जाएगी 0 से 0। आप इसको करो 18 6 जो भी वैल्यू आती है हमारी कितनी आ जाएगी हमारी 108 और डिवाइड बाय कितना 25, इसको डिवाइड करो 25 4 108 आएगा 0.80/3 75/3 2 4.32 ये क्या हो जाएगा के जी एम, क्या होगा इसका एफर्ट, सिंपल ये हो जाएगा इसका एफर्ट, ये हो गया इसका सिंपल ए पार्ट। अब देखो बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि इफ वेट 5 केजीएफ इज केप्ट टू बैलेंस द रोड, अगर 5 केजीएफ वेट को रखा गया है रोड को बैलेंस करने के लिए इसी कंडीशन में जहां पर हमारा लोड पर कितना है 18 केजीएफ वेट है, तो फाइंड इट्स पोजीशन। तो इस 5 केजीएफ वेट को जैसे अब अगर हमने इसको बैलेंस किया है तो हमने कितना वेट रखा है 4.32, तो हमने इसे 250 सेंटीमीटर पर रखा है। ऐसे ही बोल रहा है कि अगर हमारे पास 5 केजीएफ है वेट है तो उसे हम कहाँ रखें कि बैलेंस हो जाए। सेकंड वाला जो केस है उसमें बस हमारे पास क्या गिवन किया है, इस बार एफर्ट गिवन किया है। देखो इसमें भी लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू में एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म यूज कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही है, लोड हमारे पास 80 नहीं है और लोड आर्म हमारे पास 60 है, लेकिन इस बार हमें एफर्ट गिवन किया और एफर्ट आर्म बताना है कि इसे कितने डिस्टेंस पर रखेंगे फल कम से ये बैलेंस हो जाए। तो 5 से 5 उधर लेके आएंगे 60/5 = एफर्ट आर्म, कर लो इसको डिवाइड 5 से करेंगे तो 5 1 5 5 2 12 को 18 से करो कितना आ रहा है 180 और 36 और ऐड कर देंगे इसमें जाएगा 216 सेंटीमीटर, यही होगा एफर्ट आर्म। जैसे 216 सेंटीमीटर पर हमें प्लेस करना होगा इसको बैलेंस करने के लिए। अब 216 सेंटीमीटर बोलो या फिर 2.16 के अंदर से डिवाइड करेंगे 2.16 मीटर ही आएगा। तो कह रहा है कि टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग, कौन सी क्लास के लीवर पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कौन सा क्लास लीवर है, ये फर्स्ट क्लास लीवर है क्योंकि फलकम बिटवीन है इसके लोड एंड एफर्ट के, तो सी में क्या होगा इसमें फर्स्ट क्लास लीवर है। सिंपल हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो ये क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट लग रहे हैं लेकिन अगर कॉन्सेप्ट है आपके पास तो इसको आप इजीली कर पाओगे। कॉन्सेप्ट बस इसमें 2-3 फॉर्मूले जो आपको अच्छे से करने हैं और क्वेश्चन में हम आपको सभी चीज़ें समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें कह रहा है कि लीवर ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर हैज इट्स लोड आर्म 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इसे ध्यान से करो कि क्या ये फर्स्ट क्लास लीवर का केस है, एक लीवर है जिसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर हैज इट्स लोड आर्म 5 सेंटीमीटर, उसकी लोड आर्म 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर, ऐसा कैसे हो जाएगा। टोटल लेंथ उसकी क्या है हमारे पास, टोटल लेंथ 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है मीटर है 9 सेंटीमीटर है ओके। अभी कह रहा है कि भाई अगर इसका क्या है हमारे पास लोड 5 सेंटीमीटर पर रखा है, लोड क्या रखा है 5 सेंटीमीटर पर रखा है लॉन्ग, लोड आर्म 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड द एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ऐसा कब पॉसिबल है। ऐसा सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है जब हम फलकम को एक तरफ फिक्स कर दें, इससे 5 सेंटीमीटर पर हम क्या ले लें लोड ले लें और पूरी लोड पूरी जो रो है रोड है हमारी इसको एफर्ट आर्म बना लें। ऐसा ही केस इसमें बोल रहा है क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, इसे लोड का डिस्टेंस है लोड आर्म कितना हमारा 5 सेंटीमीटर और एफर्ट आर्म कितना हमारा 9 सेंटीमीटर, तो इस केस में पॉसिबल है जिसमें लोड बिटवीन होगा। तो ये सेकंड क्लास का लीवर है जिसमें हमारा लोड क्या होता है बिटवीन होता है एफ और ई के, तो ये वही है एफ एल ई वाला केस है कि भी इस बार फर्स्ट क्लास के लीवर में एफ बीच में होता है, सेकंड क्लास के लीवर में लोड होता है और थर्ड क्लास के लीवर में एफर्ट होता है, बस इसी से आप इसको याद रख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। आप देखेंगे इसमें हम क्या हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है इसमें, ये तो हमारे पास केस बन गया कि टू विच क्लास डज इट बिलोंग, तो ये क्या हमारा सेकंड क्लास लीवर है सही है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द लीवर शोइंग द पोजीशन ऑफ द फलकम एफ एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ द लोड एंड एफर्ट, सही है लोड और एफर्ट की हमने डायरेक्शन दिखा दी यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या करना है इसमें हमें सी में कि वॉट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, सिंपल मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा भाई, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा एफर्ट आर्म 9 लोड आर्म 5
डिवाइड कर लो, 5 1 5 फोर बचेगा पॉइंट लगाएंगे, 4 5 8 40, तो 1.8 क्या हो गया इसका मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज एंड द वेलोसिटी रेशियो इफ द एफिशिएंसी इज 100%। देखो हम जनरली केस में क्या लेते हैं, एफिशिएंसी 100% लेते हैं, तभी हमने सारे क्वेश्चन किए हैं कि 100% एफिशिएंसी के बेस पर हमने सारे किए हैं। तो यहाँ पर अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं है तो ये केस ले रहे हैं हम सभी में, तो हमारे पास क्या होगा इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। देखो तो इसमें हम लेंगे रिलेशन, इसमें क्या लेंगे हम रिलेशन। लेकिन अगर ये हमारा सिंपल 100% एफिशिएंसी वाला केस है तो जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा उसी फॉर्मूले से हम वेलोसिटी रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वेलोसिटी रेशियो भी क्या होता है हमारा, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा एफर्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आर्म एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर्म, तो वही होगा हमारा 9/5, तो कितना हो जाएगा हमारा 1.8। लेकिन किस केस में, जब अगर हमारे पास एफिशिएंसी 100% है, या फिर हम रिलेशन लगा सकते थे कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है हमारा वेलोसिटी रेशियो इनटू में एफिशिएंसी। तो अगर 100% एफिशिएंसी है तो एन की वैल्यू क्या होगी, 100% का मीनिंग क्या है, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इक्वल होगा किस केस में, अगर एफिशिएंसी क्या है, अगर एफिशिएंसी 100% है। बात समझ में आ रही है, लेकिन इसमें एक सेकेंड केस भी बोला है इसने, तो फर्स्ट केस में तो ये दोनों सेम होंगे अगर एफिशिएंसी 100% है। ओके, अभी सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इफ द एफिशिएंसी बिकम 50%। देखो अब ध्यान से सुनना कि वेलोसिटी रेशियो कॉन्स्टेंट होता है, जो हमारा एफिशिएंसी मतलब 100% केस में होगा वही हमारा क्या होगा, हमारा 50% या कोई कितने भी परसेंट एफिशिएंसी हो उसी केस में होगा हमारा। तो वेलोसिटी रेशियो फिक्स रहेगा, अगर आपने इसे 1 1 एफिशिएंसी पर फाइंड किया है तो बस इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई अगर वेलोसिटी रेशियो सेम रहा, वेलोसिटी रेशियो इस केस में भी क्या रहेगा 1.8 रहेगा, मैकेनिकल एडवांटेज चेंज हो जाता है अगर एफिशिएंसी चेंज होगी, लेकिन एफिशिएंसी कितनी है हमारी, एफिशिएंसी हमारी 50%। 50% का मतलब क्या होगा, 50% हटाएंगे क्या आएगा डिवाइड बाय 100, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी 1/2। आप एफिशिएंसी 1/2 लोगे, और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है वेलोसिटी रेशियो इनटू में एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशियो कितना 1.8, एफिशिएंसी 1/2 कैंसिल कर लोगे ये कितना आ जाएगा हमारा 0.9। तो मैकेनिकल एडवांटेज 0.9 आएगा किस केस में, अगर एफिशिएंसी 15% है। तो ये है इसमें हमारा केस, तो बस इसको ध्यान रखना है कि भाई वेलोसिटी रेशियो सेम रहेगा हमेशा, चाहे एफिशिएंसी कुछ भी हो उसको आप फाइंड कर सकते हो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर वेलोसिटी रेशियो सेम रहेगा मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होगा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, तो हम इसमें ये रिलेशन यूज करेंगे और मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज में क्या नहीं यूज कर सकते, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म यूज नहीं कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो सिंपल एफर्ट है लोड है वेलकम है, कौन से क्लास का लीवर है, सेकंड क्लास लीवर, टू विच क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर बिलोंग्स टू सेकंड क्लास, विदाउट चेंजिंग द डायमेंशन ऑफ द लीवर इफ द लोड इज शिफ्टेड टुवार्ड्स द फलकम, अगर लोड फलकम की तरफ शिफ्ट करेंगे तो व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज पर क्या चेंज होंगे ये बताने हैं आपको। देखो फिर मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। अब एफर्ट आर्म तो हमारा फिक्स है, अभी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कुछ भी मान लेते हैं 100 है। अब जैसे जैसे इसको कम करेंगे, जैसे अगर यहाँ पर मान लेते हैं पहले 20 है तो इसकी वैल्यू 5 आएगी, तो और कम कर देते हैं 10 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 10 आएगी। तो जैसे जैसे हम लोड लोड को क्या करेंगे नियर बाय ले जाएंगे फलक्रम के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी। तो बस ये इसमें बताना है हमें कि द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर विल इंक्रीज व्हेन लोड इज शिफ्टेड टुवार्ड्स द फलक्रम, अगर टुवार्ड्स द फलक्रम ले जाएंगे तो क्या होगा मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे हम इसको क्या करेंगे दूर लेके आएंगे वन क्रम से, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है थ्योरेटिकल। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ब्लो शोज अ व्हील बैरो ऑफ द मास 15 kg कैरिंग अ लोड ऑफ 30 kg है, तो व्हील बैरो का मास कितना 15 kg और उस पर लोड रखा है उसका मास कितना 30, तो टोटल वेट है 45 kg। ओके kgf ये हमारा टोटल वेट हो गया। अभी कह रहा है कि भाई यहाँ पर द पॉइंट बी एंड सी आर द सेंटर, बी एंड सी आर द सेंटर
ऑफ व्हील एंड टिप ऑफ द हैंडल सच दैट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी जो है हमारा वो 20 है। आप ऐसे मान लो 20 और ये कितना, ए सी कितना 40 है, टोटल 60 है। इसको हम यहाँ पर सिंपल देख सकते हैं, आप इसको लीवर लाइट कर सकते हैं। अभी कह रहा है कि भी लोड आर्म आपको बतानी है, इसकी लोड आर्म कितनी होगी। तो देखो लोड आर्म ये रहा लोड, पल का मेरा, तो लोड आर्म कितनी है 20। तो लोड आर्म क्या होगी यहाँ पर 20। क्वेश्चन नंबर 10 में लोड आर्म कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। ओके, एफर्ट आर्म कितनी होगी, एफर्ट आर्म फलकम से टोटल जो लेंथ होती है एफर्ट की वो होगी इसकी एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म होगी 20 प्लस 40 60। तो एफर्ट आर्म कहाँ से होगी, ये जो फलकम है जो फिक्स वैल्यू है, फिक्स पॉइंट है, उससे एफर्ट तक की जो डिस्टेंस होगी 60। अब क्या कह रहा है इसमें फाइंड करने के लिए, सी द मैकेनिकल एडवांटेज बताओ। मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता ही क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म, 20 से डिवाइड किया आपने, कितना आ रहा है 3, ये आ रहा है 3, इसमें भी 3 आ रहा है। अब क्या कह रहा है कि द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू कीप द लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड, मतलब एफर्ट बताना है इसमें। तो इस वाले केस में फिर हम क्या करेंगे, ये भी लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। आप इसकी हेल्प से, मैकेनिकल एडवांटेज की हेल्प से भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो इसका एफर्ट। कैसे, ये भी मैकेनिकल एडवांटेज ऑल्सो इक्वल होता है लोड अपॉन एफर्ट के। एफर्ट हमें फाइंड करना, 3 आ जाएगा, लोड हमारे पास है कितना 15 प्लस 30 45। अगर आपको क्या करना है इसमें एफर्ट फाइंड करना, तो लोड कितना 45 और डिवाइड बाय 3 कर दो, कितना आ रहा है 15 के जी एफ आ रहा है। यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी, ये भी लोड कितना है हमारा 45, 30 प्लस 15, लोड आर्म कितनी है हमारी 20, एफर्ट हमें फाइंड करना है, एफर्ट आर्म कितनी है 60, 60 से डिवाइड करके देख लो, सेम आंसर आएगा। क्योंकि आप 20 डिवाइड बाय 60 कर रहे हो 3 आ रहा है, 3 से 2 डिवाइड कर रहे हो 15 ही आ रहा है हमारा एफर्ट। तो 15 क्या है, के जी एम। तो ये हो गया हमारा इसमें सिंपल एफर्ट, ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि फिगर 3 पॉइंट, ये जो हमारा गिवन है इसमें कह रहा है कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एज अप्लाइड टू द अबव लीवर। तो कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, वही एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लोड इंटू लोड आर्म, ये लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। कौन सी क्लास का लीवर है इस बार, एफर्ट बीच में है, तो यह थर्ड क्लास का लीवर, सिंपल थर्ड क्लास का लीवर है, सही है। तो विच क्लास लीवर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास ऑफ लीवर। एग्जाम्पल जैसे सुगर टोंग हम यूज करते हैं थर्ड क्लास के लीवर में। और फिर क्या कह रहा है इसमें सी में कि एफ ए की वैल्यू अगर 10 है, एफ ए की वैल्यू 10 है, मतलब एफर्ट आर्म हमारी कितनी है, ये हमारा फलकम है, ये हमारा एफर्ट है ए पॉइंट पर, और यहाँ पर क्या है हमारा लोड है एल। तो ये अगर हमारा कितना है, एफ ए कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, मतलब एफर्ट आर्म 10 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, ए से बी ये टोटल हमसे कह रहा है 490 है, लेकिन लोड आर्म किसको बोलेंगे हम, पूरे को, 490 प्लस में 10 500 क्या होगा इसका लोड आर्म होगा, फलकम से लोड डिस्टेंस जो होगा हमारा। अभी कह रहा है कि द मैकेनिकल एडवांटेज बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा इसका, सी केस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। मैकेनिकल एडवांटेज लो एफर्ट आर्म कितनी है 10 और लोड आर्म कितनी है 500, कैंसिल कर रहे हो 1/50, ये गिवन किया, ठीक है करेक्ट है। अब आपसे बोल रहा है कि द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, लोड यहाँ पर कितना रखा है हमारा 50 न्यूटन है, तो हमें यहाँ पर एफर्ट बताना है। तो देखो इसी की हेल्प से आप कर सकते हो कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है हमारा, लोड अपॉन में एफर्ट होता है, ठीक है। और मैकेनिकल एडवांटेज है कितना 1/50, लोड है हमारे पास 50, एफर्ट हमें बताना है, एफर्ट को इधर लेके आ जाओ आप, और यहाँ 50 × 50 कितना हो जाएगा 2500 न्यूटन। या तो आप ये फॉर्मूला लगाओ या फिर इसका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट प्रिंसिपल यूज करो लीवर का, क्या कि लोड इंटू लोड डाउन इंटू एफर्ट इंटू एफर्ट डाउन, दोनों से ही हो जाता है। ये हो गया हमारा सी वाला ऑप्शन, इसका मतलब सी वाला जो पार्ट था ये करेक्ट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि फायर टोंग हैज इट्स आर्म 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो फायर टोंग थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है, अब इसमें हमें करना है इसको, थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है फायर टोंग, इसमें क्या बताना है आपको। तो ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है इस टाइप से, ओके 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इधर पल कम हो जाएगा इसका। यहाँ पे क्या करते हैं, एफर्ट यूज करते हैं
यहाँ पर क्या करते हैं इसमें एफर्ट यूज करते हैं, यहाँ पर क्या होता है इसमें लोड होता है। ओके, इट इज यूज टू लिफ्ट अ कॉल ऑफ वेट 1.5 kgf। यहाँ पर 1.5 kgf का क्या है हमारे पास लोड है। अप्लाइंग एन एफर्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पर क्या लगा रहे हैं एफर्ट यूज कर रहे हैं। फ्रॉम द फल्क्रम फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द फायर टोन। मैकेनिकल एडवांटेज इसका फाइंड करना है हमें क्वेश्चन नंबर 12 में। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ये होगा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है हमारा एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म कितनी हमारी 20 है या 15 है, 15 होगी हमारी एफर्ट आर्म। एफर्ट यहाँ लग रहा है हमारा बिटवीन लोड एंड फलकम, और लोड आर्म कितनी हमारी 20। आप इसको सोल्व करो, 5 से कैंसिल कर रहे हो, 5 3 जा और 5 4 जा, 4 से डिवाइड करो तो आएगा 0.47 जा 28 और 4 5 जा 20, तो 0.75 सही है। ठीक है, ये हो गया इसका मैकेनिकल एडवांटेज। एंड द एफर्ट नीड, अगर एफर्ट हमें निकालना है तो देखो इसी के फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑल्सो इक्वल होता है हमारा क्या लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज को 3/4 बोल सकते हैं या फिर 0.75, लोड हमारे पास है 1.5, एफर्ट हमें फाइंड करना है था। एफर्ट कितना हो जाएगा 1.5 × 4 डिवाइड बाय 3, पॉइंट डाउन नीचे 10 कैंसिल कर लो, 5 3 जा 5 2 जा, 3 से 3 और 2 से 2 एफर्ट कितना हो जाएगा हमारे पास ये 2 kgf। एफर्ट कितना आ रहा है हमारे पास 2 kgf, एफर्ट कितना लगा रहे हैं हम यहाँ पर 2 kgf यूज कर रहे हैं। बस सिंपल से क्वेश्चन थे हमारे, तो ऐसे ही हम इसके पूली के कुछ क्वेश्चन है हमारे वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करना, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताना, उस पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।